किसानों पर कंगना रनौत को लेकर के कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है। हरियाणा की यमुनानगर का अगर जिक्र करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा से बातचीत की है हमारे संवाददाता वीना अरोड़ा ने। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। रनौत को लेकर जहाँ हर जगह रोष है तो वहीं वहां पर आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर है। हमारे साथ मौजूद है अनुराग ढांडा, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दिया किसानों के खिलाफ, उसको लेकर आप सड़कों पर उतरे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर के गुस्सा और पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि बीजेपी जिस तरह से अपमान करती है किसानों का, जो दुर्भावना रखती है, 750 किसानों की शहादत ले ली बीजेपी ने, सड़कों पे बैठने को मजबूर किया किसानों को, और अब इनकी नेता कंगना रनौत गालियां दे रही है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है किसानों के प्रति, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक एक जिले में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक एक गांव, एक एक गली तक इस बात को लेके जाएंगे। आने वाले चुनाव में अगर कंगना रनौत को तुरंत क्यों पद पे बिठा रखा है, क्यों उनको सांसद बना के सम्मानित कर रखा है, उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाले भारतीय जनता पार्टी, वरना हर गली हर बूथ पे विरोध का सामना करना पड़ेगा। पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी करके, बूथ के ऊपर तैयारी करके चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे, इनका झूठ अब हार चुका है। मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर हैं, संजय सिंह जी जेल से बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। इसीलिए ये आनंद फानंद में चुनाव कराए हैं बीजेपी ने, क्योंकि इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तो इनकी जमानतें जब्त होंगी सब जगह पे, तो इसलिए उनके पीछे से चुनाव करा लेना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बीजेपी को इस बार जवाब देंगे। हरियाणा के बेटे को साजिश करके जेल में डालने का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल।